सी एस पी आई डी। अगर आप SBI की CSP ID लेना चाहते हो तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर SBI की CSP ID फ्री में मिलेगी तो वो भी आपको प्रोसेस बताया जाएगा। तो मैं आ चुका हूँ GS कंप्यूटर पे, जहाँ पर भैया आपको बताएंगे SBI की CSP ID कैसे लग सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे SBI की CSP ID लेने के लिए। तो चलिए मिलते हैं SBI की CSP ID के CSP के ओनर से। मिलते हैं SBI के CSP के ओनर से। क्या हाल चाल भाई? बढ़िया जी, एकदम। तो भाई आपको बताना है कि मेरे जो यूट्यूबर जो सब्सक्राइबर हैं वो चाहते हैं कि SBI की CSP ID लेना है। आपके पास ऑलरेडी SBI की CSP ID है, कब से आपके पास CSP ID है? सर हमारे पास CID ID है, हमारे पास CSP पॉइंट है 2013 से। तो इस CSP ID को आपने कैसे लिया SBI की? कौन सी कंपनी से? ओरियल कंपनी से सर हमारी। तो इस CSP ID को लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, हमने कितनी एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये पूरा प्रोसेस बताइए। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर भी SBI की CSP ID लेना चाहते हैं और आपकी तरह पैसा कमाना चाहते हैं। और अब ये भी बताइए कि आप मंथली कितना कमाते हैं? सर मंथली पहले जो आती थी इसकी मंथली वो आती थी 40 से 45 हज़ार रुपये। थोड़ा सा काम अभी कम है, जैसे कोरोना हो गया था फिर उसकी वजह से अब आ रही है 25 से 30 हज़ार रुपये। तो अब मुझे बताइए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए SBI की CSP ID लेने के लिए? इसके आपको लेने के लिए सबसे पहले आपकी 18 प्लस एज होनी चाहिए, उसके बाद आपका 10th या 12th पास होना चाहिए। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए 10th या 12th का सर्टिफिकेट या रिजल्ट, IBF का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और चाहो कैश तो होता नहीं है, ये चेक से 25,000 की पेमेंट करती है इसमें। 25,000 की पेमेंट? हाँ जी। तो उस कंपनी में कैसे, आपने बताया किस कंपनी से करना है अप्लाई? ओरियल कंपनी से। तो कोई डायरेक्ट कस्टमर के लिए कोई फॉर्म फिल करना है? सर थर्ड पार्टी होती है, एक फॉर्म आता है, फॉर्म भी आता है, उसके बाद फिर वो फॉर्म भरा जाएगा, हम कंपनी से जैसे बात करेंगे उसका, थर्ड पार्टी होती है ओरियल कंपनी, उसके थ्रू लिया जाता है। अच्छा, तो जो ओरियल कंपनी का कस्टमर केयर जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है जब आप, अगर आप SBI की CSP ID ले लेते हैं तो क्या क्या सावधानी? सबसे पहले तो सर इसमें ट्रांजैक्शन रजिस्टर बनाने पड़ते हैं। अच्छा, ये रहा, जैसे ये ट्रांजैक्शन रजिस्टर है हमारा, ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके का रजिस्टर बनाना पड़ेगा आपको ट्रांजैक्शन। एक पासबुक एंट्री का, जब अकाउंट ओपनिंग होगी तो इसमें पासबुक एंट्री का रजिस्टर बनाना पड़ेगा, एंट्री का रजिस्टर बनाना पड़ेगा, और एक हमारे जो बैंक से आते हैं विजिट रजिस्टर बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, और लास्ट में एक रजिस्टर होता है जो अपनी सेफ्टी के लिए बना सकते हैं, वो होगा देखो मेरे पास, ये रहा, जो भी कस्टमर की कंप्लेंट है, कस्टमर कंप्लेंट जैसे भाई पासबुक टाइम पे नहीं आ रही, ये भी रजिस्टर बनाना पड़ेगा। तो ये सारे आपको रजिस्टर मेंटेन करके रखने हैं अपनी सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पर आपको 4 रजिस्टर इस तरीके से मेंटेन करके रखने हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। सोनू भाई, अगर मेरा सब्सक्राइबर SBI की CSP ID लेने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आपको कॉन्टेक्ट कर सकता है? तो आप सोनू भाई को कॉन्टेक्ट कर सकते हो SBI की CSP ID लेने के लिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है। और जो सोनू भाई ने डॉक्यूमेंट बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप CSP ID ले सकते हो SBI की, और इन्हें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। पर इन्हें डिस्टर्ब ना करें, ये ज़्यादा बिजी रहते हैं। जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है तो आप इन्हें जब भी कॉन्टेक्ट करें और व्हाट्सअप करें, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पर है, यहाँ पर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, तो मुझे आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। भाई जो SBI में 0 बैलेंस के जो खाते खोलते हैं उसका क्या प्रॉफिट होता है, क्या फ़ायदा होता है? क्या क्या फ़ायदे सारे सर? आपने सबसे पहले एक होता है 18 प्लस के लिए प्रॉफिट है सारे। जैसे आपने खाता खुलवाया 18 प्लस के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 फोटो चाहिए होंगे। उसमें खाते का कोई चार्जेबल नहीं होगा, 0 बैलेंस का खाता खुलेगा, एकदम फ्री खुलेगा। उसमें कुछ सोशल स्कीम है जैसे अटल पेंशन योजना, PMSBY, और एक होती है SSBY, जिसमें कि वो 20, एक अटल पेंशन योजना आपकी एज के अकॉर्डिंग होती है 18 से लेकर 40 तक, उसमें आपको 1,000 से लेकर मंथली 5,000 तक 60 साल तक मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको उसमें 1,000 रुपये भी जमा कर सकते हो आप, 20 रुपये भी जमा कर सकते हो, और एक होता है बीमा 330 रुपये का, उसमें वो डेथ क्लेम पर है, जैसे कैसे कि आपकी डेथ हो जाती है जैसे आपने ले रखा है, उसके बाद जैसे जो नॉमिनी होगा उसको 2,50,000 रुपये मिल जाएंगे। तो जो आप SBI बैंक में 0 बैलेंस जो खाते खोलते हो उस पर बैंक आपको कमीशन भी देता है? हाँ। कितना कमीशन देता है सर? 25 रुपये मिलते हैं वैसे पर खाते के।
एक के 25 रुपए लेते हैं। हाँ जी, आप कस्टमर से तो नहीं लेते? नहीं नहीं नहीं, कोई चार्जेबल नहीं, एकदम फ्री खुलता है। अच्छा। कस्टमर के लिए कोई, बस वही जो आप वो पैसा देगा उसके अकाउंट में जाएंगे, उसकी सोशल स्कीम के बारे में बताएंगे हम जो होंगी। तो यहाँ पर आप SBI के जीरो बैलेंस के खाते भी खोल सकते हो और उसमें जो पर अकाउंट खोलोगे उसमें 25 रुपए आपको मिलेंगे। भाई जो पैसे काउंट करने की मशीन है ये कितने की आई है? सर ये मशीन मैंने अमेजोन से मंगाई थी, एक 1.5 साल हो गई सर इसको लिए हुए, और कम से कम जब उसकी कीमत थी 12,000 रुपये। अच्छा। अब आप परचेज करोगे 8,000 भी में मिल जाएगी, 7 में भी मिल जाएगी, 6 में भी है सर, हर फ्लिपकार्ट अमेजोन पर सब पर अलग अलग है। तो समझ जाओ अगर आप जब अपने दुकान पर पैसे काउंट करने की मशीन ले आते हो तो आपकी जो कमाई है वो 4 गुना बढ़ चुकी है। तो भाई सोनू पाल के भाई के पास ना एक पैसे काउंट करने की मशीन है, हाथ से काउंट नहीं कर पा रहे, तो समझ लो कि कितनी इनकम हो रही है। ये बता नहीं रहे सच, बहुत ज़्यादा इनकम है इस CSP ID में। और आप लेना चाहते हो तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लीजिए सोनू भाई को, सारा प्रोसेस आपको बता देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।